नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने लिनक्स फाइल सिस्टम को विंडोज़ में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, पार्टीशन में अगर हम जाते हैं तो देख सकते हैं कि ये पार्टीशन जो है, और ये 54 GB पार्टीशन जो है, ये सब लिनक्स का पार्टीशन है। लेकिन एक्चुअली में विंडोज़ में सिर्फ दो ही पार्टीशन शो कर रहा है, एक फाइल्स और एक विंडोज़ सी। तो उसको माउंट करने के लिए आपको पहले ब्राउज़र खोलना है, और ब्राउज़र में एक लिंक आपको, ये जो लिंक है इसको खोलना है, टाइप करना है सोर्स फोर्ज, क्या है, हाँ यही ना, सोर्स फोर्ज .net/project/ext2 read। ठीक है, इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड शॉर्टली बिगन हो जाएगा, लेकिन हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो उसका कोई झंझट नहीं है। उसके बाद जहाँ पे आप डाउनलोड करके रखे हुए हैं उसको ओपन करना है। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाइएगा, ये चूँकि क्या कहते हैं, जिप फाइल में है तो एक्सट्रैक्ट ऑल में करना है, और एक्सट्रैक्ट कर लेना है इसको। एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उस फोल्डर में चले जाइएगा, और EXT2 एक्सप्लोर जो है सो एप्लीकेशन को बेसिकली ओपन करना है। तो बेसिकली इसको रन एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा, ये जो है सो काम नहीं कर रहा है, इसको रन एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, इसको जो है सो हम डेस्कटॉप पे जो है सो इसको कहीं पे कॉपी कर लेते हैं, ऐसे जगह पे कॉपी कर लीजिए जहाँ पे बार बार ये जो है, हम सी ड्राइव में कॉपी कर लेते हैं। सी ड्राइव में कॉपी कर लिए इसको। उसके बाद डाउनलोड में जो भी है, डाउनलोड में जो भी फोल्डर है उसको डिलीट कर देते हैं, और इसको जो है कट करके अपना बैकअप बना लेते हैं। तो बेसिकली आप जो सी ड्राइव में डाले थे उसको, उसमें जाइए आप सी ड्राइव में और इसको रन कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, उसके बाद यस कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं SDA, जो SDA5 और SDA6 आ चुका है। तो बेसिकली आप उसके बाद जो है सो फाइल ब्राउज कर पाएंगे। देख पा रहे हैं हम फाइल ब्राउज कर रहे हैं, इसमें देख सकते हैं लिनक्स का पार्टीशन है। तो देख सकते हैं आप, हम ब्राउज कर रहे हैं बेसिकली लिनक्स का पार्टीशन। तो ऐसे ही करके आप भी ब्राउज कर पाइएगा ये इंस्टॉल करने के बाद। और सारा लिनक्स का फाइल आप खोल पाएंगे उसके बाद। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर पसंद आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। एक बात बता दें आपको, ये जो है सो बेसिकली ये जो मतलब कहने का मतलब, ये जो एक्सप्लोरर है वो सभी फाइल को ब्राउज नहीं कर पाता है, तो ये जो है सो नुकसान हो जाता है।
तो फ्यूचर में हो सकता है हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कि जो है सो बेसिकली पूरी की तरह जो है सो कि जैसे पीसी में कैसे माउंट करें इसके बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।